अस्सलाम वालेकुम आज मैं आपके साथ चिकन चीज़ी रोल्स की रेसिपी शेयर करूंगी रोल्स की तो काफ़ी रेसिपी आपने खाई होगी मेरे खुद के चैनल पे काफ़ी रेसिपीज़ इस तरह की अपलोड है लेकिन ये जो रोल्स हैं ना उन सभी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं बहुत ही टेस्टी ये लगते हैं तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से बनाएंगे सबसे पहले पैन में दो टी लेंगे हम तेल और अब इसमें हम डालेंगे एक टी ग्रेट किया हुआ लहसन लहसन ग्रेट करके डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है अब इसमें हम शामिल करेंगे एक मीडियम साइज की हमने प्याज ली थी जिसको बारीक चॉप कर लिया है अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम एक से डेढ़ मिनट के लिए कुक कर लेंगे हमें इसको ब्राउन नहीं करना जैसे ही ये हल्की सी नरम होगी ना हम इसमें शामिल करेंगे एक कप ये ग्रेट की हुई गाजर आप चाहें तो गाजर को बारीक काट कर भी ले सकते हैं और हमने थोड़ी सी डाली है ये बारीक कटी हुई शिमला मिर्च एक हरी मिर्च ली है और बस इन सभी को भी हम दो से तीन मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे हल्की सी ये जब नरम हो जाएंगी तो अब इसमें हम डालेंगे दो टेबल स्पून मैदा इसे भी हम मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे मैदा का जब तक कि कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता इतना हम इसको पका लेंगे और ये देखें अब इसमें हम डालेंगे एक कप दूध दूध डालने से ये जो रोल्स है ना एकदम क्रीमी क्रीमी बनेंगे और बस दूध के साथ में भी हम सब्जियों को इतना पका लेंगे कि ये जो हमारा मिक्सचर है ना ये गाढ़ा नहीं हो जाता देखें मिक्सचर को हमारे पकते हुए दो से तीन मिनट हो गए हैं और ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है तो अब इसमें डालेंगे हम बॉयल और श्रेड की हुई चिकन चिकन को हमने सिंपली थोड़ा सा नमक डाल करके उबाल लिया था और फिर इसको श्रेड कर लिया है अब इसमें हम शामिल करेंगे पाउडर मसाले तो सबसे पहले इसमें डालेंगे हम एक टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च आधा टीस्पून लेंगे कुटा हुआ धनिया और आधा टीस्पून ही डालेंगे हम इसमें काली मिर्च का पाउडर और साथ ही अब इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून चाट मसाला पाउडर इससे रोल्स एकदम चटपटे और चटखारेदार बनेंगे अभी हमने आधा टी ली है और ही गैनो सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे गैस का जो फ्लेम है इस टाइम पे हम बिल्कुल लो रखेंगे और अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक चिकन को बॉईल करते टाइम भी हमने नमक डाला था और चाट मसाले में भी नमक होता है इसलिए ध्यान से ही आप नमक डालें अब गैस को बंद कर देंगे और इस मिक्सर को ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं अब यहाँ देखें हमारे पास एक बड़े साइज़ का आलू था जिसको हमने उबाल लिया है और फिर इसको ठंडा कर लिया था अब स्पून से हम आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे और अब एक ग्रेटर लेंगे एक क्यूब हमने ये चीज़ की ली है इसको हम ग्रेट करके डालेंगे चीज़ आप अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो चीज़ डालने से ये जो रोल्स है ना बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं और अब इसमें हम डालेंगे दो टेबल स्पून हरा धनिया हमारा मिक्सचर ठंडा हो गया था ये शामिल कर देंगे इसमें और अब दो टेबल स्पून लिया है हमने ये ब्रेड क्रम्स इससे रोल्स में अच्छी सी बाइंड आती है इसलिए हमने इसका इस्तेमाल किया है अगर आपके पास फ़्रेश ब्रेड हो तो आप उसको पानी में भिगो कर रख दें थोड़े टाइम के लिए और फिर इसको हाथ से अच्छे से निकाल कर उसका पानी फिर इसमें शामिल कर दें अब इसको हम कोट करने के लिए लेंगे अंडा दो टेबल स्पून डालेंगे इसमें दूध दूध डालने से ये जो रोल्स है ना जब हम तेल में फ्राई करते हैं तो इसका जो झाग है वो नहीं बनते थोड़ी सी डाली है इसमें काली मिर्च थोड़ी सी लेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हाथों पे लगाएंगे हम तेल इसमें थोड़ा सा लेंगे हम मिक्सचर और इसको आप अपनी पसंद से किसी भी साइज़ का बना लें जितने बड़े आप रोल्स चाहते हैं और फिर इसको हाथ पे हम हथेली पे रखेंगे इस तरह से इसको हम रोल का शेप दे देंगे ये देखें और इस तरह से देखें हमारे सभी रोल्स बन गए हैं और इतने मिक्सचर में हमारे ये काफ़ी सारे रोल्स बने हैं तो कुछ हम बना लेंगे कुछ को हम फ्रीज़ कर देंगे चलिए अब इनको कोट कर लेते हैं सबसे पहले अंडे के मिक्सचर में डिप करेंगे फिर इसको ब्रेड क्रम से हम अच्छे से कोट कर देंगे तो सभी तरफ अच्छे से आप रोल पे इस तरह से ब्रेड क्रम्स लगा दें इसी से ये जो रोल्स हैं ना एकदम क्रिस्पी बनते हैं सबसे अच्छी बात तो ये है इन रोल्स की कि इनको आप बनाकर हफ्ता दस दिन के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं आराम से फिर रमज़ान में आप इनको इन्जॉय करें चलिए अब इनको फ्रीज़ करने के लिए मैंने एक जिप लॉक बैग लिया है आप कोई भी कंटेनर ले लें और इस तरह से वन बाई वन करके हम इन्हें रख देंगे दस से बारह दिन आप इनको फ्रीज़र में रख दें बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होते और जब आपको इन्हें फ्राई करना हो तो कुछ टाइम के लिए इनको फ्रिज से निकालने के बाद आप इनको थ्रो कर दें चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं ऑयल हमारा मीडियम गर्म है गैस का फ्लेम बिल्कुल हम मीडियम रखेंगे बिल्कुल ना तो हाई रखेंगे और ना ही लो और अलट पलट कर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे तो एक साइड से देखें ये सिक गए हैं अभी हम इन्हें दूसरी साइड से पलट देंगे और ये देखें सभी तरफ से हमारे रोल्स काफ़ी अच्छे से सिक गए हैं गोल्डन सा इन पर ये कलर आया है अब इनको हम निकाल लेते हैं देखें लग रहे हैं ना कितने खूबसूरत ऊपर से तो बहुत ही क्रिस्पी हैं करारे हैं और अंदर से सॉफ़्ट और इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त चिकन चीज़ी रोल्स हमारे बनकर बिल्कुल तैयार हैं तो ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक लाजमी दें अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और इस तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक्स फ़ार वॉचिंग वीडियो अल्लाह हाफिज़